मैं पल्लवी भारद्वाज और आज हम लोग एक अम्यूज़मेंट पार्क विजिट करने जा रहे हैं जो कि है दिल्ली रोड पे और इसका नाम है अप्पू घर। तो आई थॉट ऑफ शेयरिंग विद यू ऑल गाइस, सो लेट्स सी कि कैसा है ये प्लेस और यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ करने के लिए होती है। तो ये जो है एंट्रेंस है, हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। ये जो मेन प्रॉपर्टी है उसका एंट्रेंस है, चारों तरफ की लोकेशन इस तरीके की है। काफ़ी आइसोलेटेड था मेन रोड से, तो बहुत क्लोज टू नेचर था, ग्रीनरी बहुत अच्छी थी एंड ओवरऑल बहुत ग्रीन सा और क्लोज़ टू नेचर प्लेस था और सिटी के हसल बसल से दूर थोड़ा अच्छी सी लोकेशन थी। तो ये हम लोग एंटर कर रहे हैं, हम लोगों ने टिकट्स ले लिए हैं। तो ये जो इसका पाथवे बना हुआ है, बड़ा सुंदर सा बनाया हुआ है और जो है एंट्रेंस बहुत प्यारा सा बनाया हुआ है और थोड़ा सा एलिवेटेड है जो रिजॉर्ट है, ताकि थोड़ा सा हिल स्टेशन वाला व्यू आता है और बहुत अच्छा सा लगता है। और ख़ास तौर पे अगर आप बारिश के टाइम पे जा रहे हो तो चारों तरफ ग्रीनरी हो जाती है और थोड़ा सा हाइट पर है तो बिल्कुल हिल स्टेशन वाली फील आने लगती है। और ओवरऑल बहुत सुंदर एंट्रेंस बनाया हुआ है इन्होंने और हम लोगों के ग्रुप में इतने सारे लोग थे, इतने सारे लोग साथ में आए हुए थे, बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन क्या है, हम जब गए थे तो थोड़ी धूप थी इसलिए सब लोग थोड़े से परेशान हो गए थे। तो यहाँ पे ये जो है इसका एंट्रेंस है, ये अंदर जो है पूरी लोकेशन है, काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है, काफ़ी अच्छा लैंड साइज़ है इनका। और यहाँ पे इन्होंने हमें ये, इनके दो तीन रेस्टोरेंट हैं तो उनमें से जो इनका मेन रेस्टोरेंट है वहाँ पे इन लोगों ने हमें वेलकम ड्रिंक ऑफ़र की थी। एंड ये जो है इनका मेन रेस्टोरेंट है एंड आफ्टर दैट हम लोग ये ओवरऑल प्रॉपर्टी विज़िट कर रहे थे। काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ थी यहाँ पे, ट्रैम्पोलिन भी था यहाँ पे, तो बच्चों को तो ट्रैम्पोलिन पे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ट्रैम्पोलिन पे सब लोग काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे, बच्चे तो खास तौर पे। इसके बाद और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी तो हम लोग उनको देखने गए थे। बुल्स राइडिंग की एक एक्टिविटी थी, बड़ी अच्छी सी थी, वहाँ पे अब हम लोग जा रहे हैं। जो बाइक राइड थी ये अभी अवेलेबल नहीं थी, जिस दिन हम गए थे बस उसी दिन अवेलेबल नहीं थी, इसलिए हम राइड पर नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ पे हम फोटोज़ शूट कर रहे थे, पिक्चर्स ले रहे थे। ये वाला जो गेम था ये, इसमें बच्चे लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे, मैं तो इसमें कर भी नहीं पा रही थी लेकिन बच्चे बहुत अच्छे से कर रहे थे और बहुत इंजॉय कर रहे थे। हम लोग तो साइड में खड़े होकर बच्चों को देख रहे थे, बच्चे बहुत अच्छे से कर रहे थे इसको।
की जो है यहाँ पे कुछ एडवेंचरस एक्टिविटीज़ थी, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमने अभी नहीं की थी, कुछ थोड़ी बहुत हल्की फुल्की जो ईजी सी थी वो अभी हम लोग कर रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी गर्मी थी इसलिए हम लोग ज़्यादा हमने एक्टिविटीज़ नहीं की, जो थोड़ी बहुत थी स्टार्टिंग की वही की। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो अब हम लोग पूल में आ गए थे, और आप लोग देख रहे हैं हम लोगों का कितना सारा ग्रुप है, ये जितने भी लोग आपको देख रहे हैं ना ये सारे हमारे ग्रुप के लोग हैं, इतने सारे लोग थे, इतना मज़ा आ रहा था पूल में। पूल का साइज़ भी काफ़ी ठीक था, काफ़ी अच्छा साइज़ था, और पीछे का व्यू तो अल्टीमेट था, आप लोग देख सकते हैं पीछे का व्यू कितना सुंदर है। पूल तो बहुत सारे रिजॉर्ट्स में होते हैं लेकिन जो व्यू है ना यहाँ का बहुत ज़्यादा अच्छा था, और पीछे आप देख सकते हैं पूरा अरावली हिल्स दिख रहा है, जो जयपुर में अरावली हिल्स है उनका पूरा व्यू आ रहा है, और बारिश के टाइम पे तो चारों तरफ ग्रीनरी हिल्स, इतना ज़्यादा सुंदर व्यू आ रहा था। हम लोग जब इनिशियली आए थे तो बहुत गर्मी पड़ रही थी लेकिन बाद में बारिश हो गई थी, जब हम लोग पूल में आए थे तो बहुत ज़्यादा सुंदर हो गया था। और बच्चों के लिए भी यहाँ पे सेपरेट पूल था और उसमें बीच में पार्टीशन था, तो सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि बच्चे साइड में इंजॉय करते रहते हैं और आप लोग इस तरफ बड़े वाले पूल में एंजॉय कर सकते हैं। और पीछे का व्यू आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा सुंदर है, और पूल के चारों तरफ इतना ज़्यादा सुंदर व्यू था, ये जो चीज़ थी मुझे यहाँ की सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी, ये जो व्यू था चारों तरफ का ये यहाँ की बेस्ट चीज़ थी, और ख़ास तौर पे इस मौसम में। उसके बाद हम लोगों ने लंच किया था, लंच काफ़ी टेस्टी था, और ऑल्दो सर्विंग उतनी अच्छी नहीं थी बट लंच डिलीशियस था, ओवरऑल अच्छा था लंच। लंच के बाद हम लोग कुछ ये एडवेंचरस एक्टिविटीज़ थी इनको करने के लिए आगे थे, तो ये देखने में ऐसा लगता है इनके दो लेवल होते हैं, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला, तो देखने में ऐसा लगता है बहुत ईजी सा होता है लेकिन जब करते हैं ना तो थोड़ा डर लगता है, और सबसे ज़्यादा डर मुझे इस चीज़ का लग रहा था क्योंकि मैं नीचे वाले लेवल पे थी, तो डर ये लगता है कि ऊपर के लेवल से कोई नीचे ना गिर पड़े, और डर लगता ही है, और ऑल्दो ऐसा कुछ होता नहीं है लेकिन क्योंकि ये रस्सियाँ होती हैं और बांस से बंधे हुए थे तो थोड़ा डर लग रहा था मुझे कि ऊपर वाला ना नीचे गिर जाए, बाकी और इतना कुछ टफ़ नहीं था, और स्पेशली मैं जो लेवल कर रही थी वो इतना ज़्यादा टफ़ नहीं था, ईजी था, बट मज़ा आता है करने में, और जो इसके ऊपर वाला लेवल है वो थोड़ा टफ होता है, तो वो मैंने अभी नहीं किया था, मैंने नीचे वाले ही किया था, बट ये भी ठीक ठाक लेवल का होता है और मज़ा आता है करने में। ये वाला जो है इसमें आप एक रोप पे चल रहे होते हो, ऑल्दो बहुत हाइट नहीं होती है लेकिन फिर भी थोड़ा फिसलने का डर रहता है, और मज़ा भी बहुत आता है। तो बारिश के बाद मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था, और ये जो पॉइंट है ना ये यहाँ का सेल्फी पॉइंट है, इसके चारों तरफ बहुत ज़्यादा सुंदर व्यू आता है, तो हम लोग यहाँ पे फ़ोटोज़ और पिक्चर्स सेल्फीज़ वगैरह के लिए आ गए थे,
तो ओवरऑल ये यहाँ से बहुत ज़्यादा सुंदर व्यू आता है। तो अगर आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये अम्यूज़मेंट पार्क कैसा लगा। अप्पू घर इसका नाम है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।